विकास के लिए लाखों रुपए का बजट पास किया जाता है या फिर संस्थाओं की तरफ से भी बेहतरीन प्रयास रहता है, लेकिन आज आपको एक ऐसी तस्वीरें, एक ऐसी वीडियो दिखाने वाली हूँ। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका डवाली केसरी में और मैं हूँ आपके साथ निशा खन्ना। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं बठिंडा चौक पे, मंडी डब वाली के बठिंडा चौक पे मौजूद हूं। आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। जरा कैमरा पर्सन को कहूंगी कि बकायदा पूरे चौक की तस्वीरें दिखाइए कि किस लोकेशन पे हम इस वक्त मौजूद है। वहीं घास खाते हुए आपको एक गाय भी दिखाई दे रही होगी। ये मुख्य चौक है, हाईवे चौक इसको माना जाता है। इस तरह के चार रास्ते यहाँ से फटते हैं, लेकिन मुख्य चौक के ऊपर ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही होगी। ये तस्वीरें हैं जो कि एक हादसे को न्योता देती है। एक्सीडेंट, दुर्घटना वो इन्हीं के कारण होती है, क्योंकि अब ये चौक के बीच में जो पशु आपको दिखाई दे रहा है ये घास खा रहा है, लेकिन अपना पेट भरने के बाद में यही पशु इस चौक से नीचे उतरेगा, अचानक किसी की गाड़ी या वाहन के सामने आएगा, जिससे कि दुर्घटना का कारण होगा। तस्वीरें दिखा दे इतनी नंदीशाला, क्योंकि मंडी डवली की बात करूं तो यहाँ चार गौशाला बताई गई है। चार गौशाला होने के बाद में भी यहाँ पे जो पशु है आवारा रूप से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आपको छोटे मुद्दे की कवरेज हमने दिखाई। कुछ दिन पहले भी मैंने यहाँ की एक आपको कवरेज दिखाई थी कि उस समय भी पशु है जो कि रेल की पटड़ियों के नज़दीक थे, लेकिन आज की आपको वीडियो दिखा दूं कि यहाँ आवारा पशु इतने हो चुके हैं जो कि एक हादसे को न्योता दे रहे हैं। शहर के मुख्य चौक पर ये पशु इस तरह से घूम रहे हैं जो कि एक बड़ा हादसा होने का कारण बना रहता है। तो इस तरफ भी यहाँ के प्रशासन, यहाँ की संस्थाएं थोड़ा ध्यान दें ताकि किसी का घर न उजड़े, क्योंकि इन्हीं पशुओं के कारण दुर्घटना होती है जिससे कि परिवार के लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि यहाँ का जो प्रशासन सोया हुआ है वो जाग जाए और जो संस्था यहाँ कार्य करती है उनसे भी एक बार फिर हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा इस ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरह आवारा पशु आज सड़कों पर है जिससे कि दुर्घटना होने का भय रहता है। मैं गौशाला में ही मौजूद हूँ, आपको बता दूँ कि आवारा पशु है, सड़कों पर है, और लेकिन यहाँ पर नंदीशाला है। आखिर वो नंदीशाला में क्यों नहीं लाया जाते पशु है जो, और जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते गौशाला में क्यों नहीं भिजवाए जाते, उसको लेकर यहाँ के जो मैनेजर है, गौशाला के मैनेजर मेरे साथ बात करेंगे। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से है जो कि आवारा पशु सड़कों पर है। वाकई में यहाँ पर जो नंदीशाला भी बनी हुई है, गौशाला भी बनी हुई है, फिर वो सड़कों पर क्यों है आवारा पशु? सर देखिए, यहाँ पर गौशाला है, हालांकि चार है नंदीशाला समेत, फिर भी आवारा पशु सड़कों पर है। देखिए, श्री गौशाला मंडी डवाल की स्थापना सन 1906 में स्वामी गिरनारगिरी जी महाराज द्वारा की गई थी। आज 116 साल हो गए गौशाला को, जहाँ मतलब है लगभग 1300 गोवंश का पालन पोषण किया जा रहा है। जो आवारा पशुओं की संख्या के बारे, आवारा पशुओं की समस्या के बारे में आप बता रहे हो, तो उसकी समस्या का मुख्य कारण यहाँ लगने वाला पशु मेला है जो कि मंडी किलेवाली में लगता है। तो हर रविवार को वो मेला लगता है। तकरीबन 100-125 के करीब जो अपने जिम्मेदार हैं, जो पशु दूध से तड़ जाते हैं और उनको वो यहाँ मेले में ले जाते हैं। एक दो के साथ में बेचने वाला पशु जाता है उसको बेच जाते हैं, लेकिन जो तीन साथ में, जो एक दो ड्राई पशु साथ में लेके आते हैं उसको वो यहीं छोड़ जाते हैं, और वही पशु घूमते हुए अपने यहाँ शहर में से गलियों में से रहते हुए अपने शहर में आ जाते हैं। तो आवारा पशुओं की समस्या का मेन जो कारण है ये पशु मंडी है। जो सड़कों पर आवारा पशु घूमते, क्या उनकी कंप्लेंट, क्योंकि वो हादसे को नियंत्रण देते हैं, तो क्या कंप्लेंट वगैरह भी लोगों की आती होगी यहाँ गौशाला में कि आवारा पशु सड़कों पर, उनको गौशाला में लाया जाए? तो कोई कंप्लेंट तो हमारे पास आती है, कोई एक्सीडेंटल पशु है, कोई बीमार पशु है, तो उसको तो हम तुरंत अपने एम्बुलेंस ले भेज के मंगवा लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, मेडिकल वार्ड यहाँ बनाया हुआ अलग से, तो डेली भी अपने 3-4 पेशेंट डेली के अपने ऐसे आते हैं जो एक्सीडेंट होते हैं या एक दो कोई बीमार होते हैं। ये तो गौशाला की तरफ से आवारा पशुओं को लेकर कुछ कदम नहीं उठाए गए? आवारा पशुओं की तो ऐसी है जी, हमारे पास तो 1300 मतलब पशुओं की कैपेसिटी है, तो लगभग उतने पशु हमारे पास ऑलरेडी हैं जी, तो इससे ज़्यादा हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है।
देखिए गौशाला के आप मैनेजर हैं और समस्याएं भी आप लोगों को आती है जो आवारा पशु है उनको लेकर, तो क्यों जो आपने बताया कि यहाँ मंडी लगती है पशुओं की, तो उसको लेकर क्या आपने शिकायत वगैरह नहीं दी, क्योंकि लोग आपको भी कंप्लेंट देते हैं? और उसके बारे में हमने प्रशासन से ही बात की थी, एसडीएम साहब को भी हमने मतलब है इसके बारे में किया था कि भी आप जो है ना उसके ऊपर मतलब है कोई एसडीएम मलोड़ से मिलके, क्योंकि वो पंजाब के एरिया में आती है पशु मंडी वो, तो वहाँ उनको एसडीएम को मतलब है मिलके या पत्र व्यवहार करके, तो उस मंडी के अंदर वहीं जो इनके मतलब है जो आवारा पशु छोड़ आते हैं वहीं इनको मतलब रोका जाए ताकि वो शहर में ना आने पाए। तो ये थे गौशाला के मैनेजर और इनसे बात की, इन्होंने बताया कि सिर्फ आवारा पशुओं का एक मुख्य कारण यही है कि पंजाब के अंदर है, जो कि ये मंडी डब वाली है, आधी हरियाणा के अंदर आधी पंजाब के अंदर है और पंजाब के अंदर है पशु मंडी लगती है, जिसके कारण वहाँ पशु की जो बोलियाँ लगती है उस तहत है कुछ पशु जो दूध देने वाले होते हैं वो तो लोग ले जाते हैं, लेकिन कुछ पशु छोड़ जाते हैं जो कि बाद में सड़कों पर आ जाते हैं और वही पशु है जो कि हादसे को न्योता देते हैं। इनके पास काफ़ी कंप्लेंट भी आती है इस तरह की, लेकिन इन्होंने बताया कि गौशाला में 1300 है जो कि गायें रखी गई है और इतनी इनके पास जगह है जहां पर 1300 गायें रखी हुई है, लेकिन और पशु ये यहां पर नहीं रख सकते इनका कहना है। और इन्होंने बताया कि जो मंडी लगती है उसको लेकर जो आवारा पशु सड़कों पर है इनको समस्याओं का उसको लेकर सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर इन्होंने यहाँ के एसडीएम को भी अवगत करवाया, लेकिन एसडीएम की ओर से आश्वासन दिया गया कि जो पंजाब के एसडीएम है उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि ये आवारा पशु है, इसी तरह हादसे को न्योता देते हैं, जिसको लेकर यहाँ के मैनेजर से बातचीत की, उन्होंने अपनी समस्या रखी कि ये समस्या आ रही है, लेकिन फिलहाल आवारा पशुओं को लेकर हम आपको शहर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से ये आवारा पशु हादसे को न्योता देते हैं। ये आवारा पशु के कारण ही है हर घर का जो चिराग है इसी तरह उजड़ता है, क्योंकि आवारा पशु अचानक रोड पर आने की वजह से है, गाड़ी की ब्रेक न लगने, मोटरसाइकिल की ब्रेक न लगने, जिससे कि दुर्घटना का कारण बनता है। लेकिन आपको इसी तरह मुद्दा दिखाते रहेंगे, कवरेज दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।